अब बात करते हैं शहडोल की, जहां जिले के थाना बुढ़ार के चौकी केसवाही अंतर्गत ग्राम खरला में एक विवाहित महिला अनीता पाव ने फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला 3-4 दिनों से अपने मायके जाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे मायके ले जाने से साफ मना करता रहा और अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच विवाद होने के कारण महिला फांसी पर लटक गई है। मृतक महिला अनीता पाव उम्र 26 वर्ष के करीब थी। इस पूरे घटना की जानकारी मायके पक्ष को सुबह 11 बजे के करीब लगी। फिर महिला के परिवार वालों ने चौकी पर जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए जानकारी दी है। वहीं जब मीडिया ने मृतक महिला के पति से बात की तो पति ने बताया कि वह सुबह 9 बजे काम पर निकल गया था और घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब वह कितने टाइम फांसी पर झूली इसकी जानकारी हमें नहीं है, ऐसा महिला के पति ने बताया। वहीं जब मृतक महिला की मां से पूछा गया तो मां ने बताया कि वह मायके आने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन उसे मायके नहीं लाया गया था। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल डायल 100 और चौकी केसवाही की टीम अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। विराट 24 के लिए शहडोल से रजनी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है माता जी आपका? नाम बता। नाम अपन। ये बच्ची कैसे खत्म हुई है आपकी? बिटिया कैसे खत्म हो जाए? हाँ बता। बिटिया मैंने जानो तो अपन घर में रही, मेरे घर में रात रही है ना, फिर आगे 8-10 दिन हो गए रही, आ गए रही, फिर फोन लगाई, लड़ रही ध्यान नहीं, तो कहीं कहीं मना रखी हूँ, कहीं ले जाओ अपन बिटिया, मैं कहूँ पैक ले जाऊँ, कहूँ नहीं, कहा मोर लड़का दई दा कहें है ना, मैं कहूँ लड़का मैं कहीं दे दूँ, भाई मोर लड़का मेरे घर आए, तुम्हारे घर पहुँचा वहाँ नहीं रहा लड़का से, लड़का जल्दी से मेरे साथ ले जाए अपन लड़का, इतना कहूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर पाव। शंकर पाव कहाँ के रहने वाले हो? खरला। खरला। ये जो लेडीज ख़त्म हुई है क्या लगती है आपकी? वाइफ है पत्नी। ये कैसे ख़त्म हुई है? अरे नहीं मालूम सर कैसे ख़त्म हुई है। नहीं तो तुम घर पे नहीं थे जब ये खाते फांसी लगी है? तो फांसी लगी सर, मैं काम पे चला गया था। कहाँ गए थे काम पे? बुढ़ार। बुढ़ार गए थे। और घर में कौन कौन था? घर में कोई नहीं था सर। कोई नहीं था। आप लोगों की आपस में कोई बात विवाद कुछ हुआ था? नहीं हुआ, बस बात यही हुआ था कि मैं मायके जा रहा हूँ। हाँ मना कर दिया था। अच्छा वो मायके जाने के लिए बोल रहे थे तो आप मना कर दिए थे? यही बोला कि मैं शाम को साथ चलेंगे। साथ में जाने के लिए बोले थे। और किसी प्रकार की कोई मारपीट तो नहीं हुई है उसके साथ? कितने टाइम की घटना है ये? पता नहीं, समझ काम पे चला गया था, ये नहीं जानता। नहीं तो सुबह की घटना है कि रात में हुई है? सुबह हुई है, आज हुई है, मतलब अभी आज सुबह की घटना है। तब आप नहीं रहे? नहीं थे। और घर में कोई और मम्मी पापा वगैरह? मम्मी पता नहीं, नहीं तो लगता है। ठीक है, क्या नाम बताए थे? मेरा हाँ शंकर पाव। जो ख़त्म हुई है उसका क्या नाम है? अनीता। पूरा नाम? अनीता पाव।